अब बिना आधार के नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग। सरकार ला रही है ये नया नियम। अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग का शौक है तो बता दें कि अब बहुत जल्द ही आपको ऑनलाइन सामान मंगवाने के लिए आधार नंबर भी देना होगा। और तो और, अब हर आधार नंबर पर आप सिर्फ 5,000 रुपए के इम्पोर्टेंट गिफ्ट मंगवाए जा सकेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट गिफ्ट का मतलब दूसरे देश से मंगवाया जाने वाला सामान है। दरअसल इस संबंध में केंद्र की मोदी सरकार विदेश से आने वाले सामान को जांच के दायरे में लाने की तैयारी में है। इनमें खास तौर से चीन से आने वाले सामान या यूं कहें कि कंसाइनमेंट सरकार की नज़र में है। दरअसल आपको बता दें कि चीनी ई कॉमर्स कंपनियां कस्टम ड्यूटी और कई तरह के टैक्स से बचने के लिए अपने सामान को गिफ्ट के तौर पर भारत में भेज रही थी। अब ऐसे में सरकार ये योजना बना रही है कि एक आधार कार्ड पर इकाई अमर्स प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन से सिर्फ 5,000 रुपए तक के इम्पोर्टेंट गिफ्ट मंगाए जा सकेंगे। इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस 5,000 रुपए तक के इम्पोर्टेंट गिफ्ट मंगाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही अकेला विकल्प नहीं है। ग्राहक किसी भी अन्य तरीके से कायक पूरा करके विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से इम्पोर्टेंट गिफ्ट मंगवा सकते हैं। बता दें कि इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी कि डिप ने रेवेन्यू विभाग से मांग की थी। मांग ये थी कि वह गिफ्ट के तौर पर आने वाले कंसाइनमेंट की स्रोत लोकेशन का पता लगाएं, जिससे अगर किसी तरह की संदेह की स्थिति है तो उसको पहले से ही राय का जा सके। ये थी चीनी कंपनियां की प्लानिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीनी कंपनियां अपना माल बेहद सस्ते दामों पर भारत में बेचती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनियां अपना माल गिफ्ट के तौर पर भेजती थीं। ऐसा करने पर उन्हें कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, और यही वजह थी कि भारतीय रिटेलर्स का सामान लोग कम खरीद कर रहे थे और चीनी कंपनियां मुनाफा कमा रही थी। इन कंपनियों का नाम आया सामने। ई कॉमर्स कंपनियां देश के फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का गलत फायदा उठाने में शीन, एली एक्सप्रेस, राम वॉर क्लब फैक्ट्री जैसी चीन की कंपनियों का नाम सामने आया है। दरअसल इस कानून के तहत विदेश से भारत में रहने वाले लायकों के पास भेजे जाने वाले 5,000 रुपए की कीमत तक के तोहफों पर कस्टम व अन्य चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन आइटम्स पर किसी प्रकार का कोई GST भी नहीं लगता है। अभी हाल ही में ये खुलासा हुआ था कि इन साइट्स को रोजाना तकरीबन 2,00,000 ऑर्डर मिलते हैं, जिन्हें तोहफों के रूप में भारत में डिलीवर किया जाता है। चीन पर है डेटा चुराने का भी शक। अभी हाल ही में स्वदेशी जागरण मंच ने इस मामले में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संपर्क साधा था। इस मामले पर मंच के संयोजक अश्विनी महाजन का कहना था कि गिफ्ट अक्सर विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भारत में अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं। अब चूंकि गिफ्ट पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है तो चीनी इसका जम के फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चीन सामान भेजने के लिए गैर प्रवासी भारतीयों के नाम का सहारा ले रहा है। ऐसे में इस बात की पूरी पूरी आशंका है कि चीन के कारोबारियों ने इस काम के लिए भारतीय NRI का डेटा चुराया है।